हाय फ्रेंड्स, दिस साइड सीए विपुल शाह, स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्मॉल केस ऑन अंबुजा सीमेंट एंड एसी सीमेंट एक्वायर्ड बाय गौतम अदानी ग्रुप। यस, तो ये स्विट्जरलैंड बेस्ड ग्रुप है जिनसे उन्होंने 51,000 करोड़ रुपीज़ में एक्वायर्ड किया है। एंड द स्टेक एक्वायर्ड इज 63.11% इन एसीसी एंड इन अंबुजा सीमेंट 57%। तो अभी अपन देखने वाले कि इसका एज ए इन्वेस्टर हम पे इम्पैक्ट क्या होगा एंड इसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या एग्जैक्टली इसमें चीज़ें जो एज ए इन्वेस्टर एंड एज ए ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट करती है। आइए वन बाय वन जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग। यस, जहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे पर्सनलाइज एडवाइजरी मिलेगा, फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज़, काफ़ी रिसर्च करके वहाँ पे दिया गया है, सो यू कैन गो थ्रू एंटायर रिसर्च एंड टेक प्रॉपर डिसीजन। सो इमीडिएटली टाइम वेस्ट मत कीजिए एंड नीचे जो लिंक दिया है एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपये चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका और भी कई अकाउंट रहेगा तो कोई इशू नहीं है, आप एक भी उसको ट्राई कीजिए, इट्स वेरी गुड ऐप, मैं खुद भी काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ एंड आप भी इसको एंजॉय करोगे। चलिए, सो अभी अपन आते हैं मेन सब्जेक्ट पे। नाउ अभी अंबुजा सीमेंट एंड एसी सीमेंट को अदानी ग्रुप में एक्वायर्ड किया है एंड नाउ इट हैज़ बिकम सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर आफ्टर आदित्य बिरला ग्रुप का जो अल्ट्राटेक है, उसके बाद ये सेकेंड कंपनी बना है एज अ सीमेंट मैन्युफैक्चरर। तो डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टर आपके लिए अच्छा पॉइंट है। नाउ अभी इससे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, अदानी ग्रुप का बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यस, तो आज उसके और बात करेंगे कि लगभग उनका जो बोरिंग था 1.10 लाख करोड़ से लगभग 2.20 लाख करोड़ हुआ है। तो एज ए इन्वेस्टर रिस्क क्या होगा, क्योंकि अपना डेट बढ़ते जा रहा है एंड जैसे डेट बढ़ेगा एज ए इन्वेस्टर रिस्क डेफिनेटली बढ़ता है। नो डाउट उन्होंने रिटर्न्स अभी को अच्छे दिए हैं, इतने साल तक दे हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, बट स्टिल अपन देखेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली क्या होगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों कंपनीज पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है। अंबुजा सीमेंट पे 1164 करोड़ एंड एसीसी ग्रुप पे 1148 करोड़ फॉर प्राइसिंग। तो अभी ये पेनल्टी स्विट्जरलैंड ग्रुप जिनसे खरीदा वो तो नहीं भरेगा, तो अभी अदानी ग्रुप भरेगा या दो कंपनीज भरेंगे इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सो लगभग 2300 करोड़ का पेनल्टी दोनों मिला के देना है। सो नाउ हु विल पे, लेट्स सी। अभी जो बात कर रहा था कि ठीक है उन्होंने कंपनी एक्वायर्ड की, इट्स गुड पॉइंट, दे हैव बिकम सेकंड लार्जेस्ट, इट्स अ गुड पॉइंट, बट द प्रॉब्लम इज दिस इज द डेथ। तो टोटल डेट जो है वो है 2,20,000 करोड़ एंड उसका ब्रेकअप है ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विलमोर, अदानी गैस। तो इतना लगभग 2,20,000 करोड़ का लोन हो चुका है। इट इज़ इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स फ्रॉम 1.10 लाख करोड़ टू 2,20,000 करोड़। बिग अमाउंट, सही बोल रहा कि नहीं? तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आइए जानते हैं। प्लस अभी ये तो डेट तो बढ़ गया ही है, प्लस उन्होंने इमीडिएटली इन शेयर्स को प्लेज करके लगभग कितना पैसे, देखो 29,000 करोड़ लिया है एंड अंबुजा सीमेंट्स के अगेंस्ट 72,000 करोड़, तो लगभग 1,01,00,000 का लोन लिया है। इन्वेस्ट किया 51,000 करोड़, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड जो लोन लिया है वो 1,01,00,000 का लिया है। सो नाउ डेफिनेटली दिस इज अलार्म फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, बिकॉज अगेन डेट इज ऑलरेडी, डेट रेशियो ज़्यादा है, प्लस उन्होंने प्लेज का मतलब क्या है, शेयर्स गिरवी रख के लोन लिया है, सिंपल, शेयर्स के अगेंस्ट क्या लिया है, लोन लिया है। तो ये प्लेज की वजह से और उनका लायबिलिटी बढ़ गया है, भले ठीक है वो शेयर्स के अगेंस्ट है बट स्टिल लायबिलिटी तो बढ़ गया। तो नाउ एज ए इन्वेस्टर अपने तो आंखें खुली हो गई और ज़्यादा बड़ी हो गई कि अभी करना क्या है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। प्लस उनको एफेंडो से भी उनको बैन किया, जो अंबुजा सीमेंट है उसको एफेंडो से भी बैन कर दिया है। यस, बिकॉज इट हैज़ क्रॉस 95% ऑफ मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट, सो करेंटली वो बैन पीरियड में है स्टॉक एक्सचेंज में करेंट, तो अभी आप उसमें डील नहीं कर सकते। तो इतने सारे निगेटिव न्यूज़ है ना, निगेटिव मतलब दीज आर द चैलेंजेस, आई एम नॉट से निगेटिव। नाउ एज अ इन्वेस्टर अपन ने क्या करना चाहिए, यस, क्योंकि सच में ऐसा लगता है क्या कि अदानी ग्रुप डेंजर में नहीं, इफ़ यू सी देयर पास्ट 5 ईयर्स परफॉर्मेंस, दे हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न टू द इन्वेस्टर, बट नाउ द काइंड ऑफ डेट दे आर हैविंग, ये मेंटेन करना उनके लिए चैलेंज होगा। सो यस, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन, इट्स नॉट अ अलार्म सिचुएशन फॉर इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनी। तो अगर आपके पास इनके शेयर्स है तो आपको उसका प्रॉपर टैक रखना पड़ेगा, बिकॉज डेट हैज बिकम
2.2 लाख करोड़ एंड प्लस जो प्लेज किया वो अलग. ओके सो डोंट बेस्ट, मतलब पास परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है बट अगेन जितना लोन बढ़ा है आई पर्सनली फील इट्स अ लिटिल टफ सिचुएशन फॉर अडानी ग्रुप एंड आई होप दे विल कम आउट एंड दे विल मेक ऑल द इन्वेस्टर हैप्पी. करेक्ट ना? सो ऐसा है. सो ये सब आपको कंसिडर करके आपको डिसाइड करना है कि एज ए इन्वेस्टर मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट माई योर फ्रेंड्स. एंड नीचे लिंक दिया उसको भी आपको यूज़ करना है. तो इसके आगे के जो भी अपडेट्स आप जुड़े रहिए, जैसे कुछ अपडेट्स आते हैं मैं आपके लिए इमीजिएटली अच्छा वीडियो बना के लेके आऊँगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.